सीबीआई द्वारा आज कन्हैया कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस चार्जशीट को लेकर कहा जा रहा है कि इसे साजिश पूर्वक किया गया है। उसकी वजह यह है कि आज तक ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया है जिसमें कन्हैया कुमार कोई देशद्रोह का नारा लगा रहा हो। कुल मिलाकर इसे वर्तमान राजनीतिक स्थितियों से जोड़ा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कन्हैया कुमार ने देशद्रोह के नारे लगाए, लेकिन राजनीतिक कोशिशों के चलते यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कन्हैया कुमार की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसका गला घोटने के लिए यह चार्जशीट दाखिल की गई है, क्योंकि कन्हैया कुमार द्वारा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी और आने वाले समय में इस बात की संभावना थी कि वह कांग्रेस और अन्य दलों के सहयोग से चुनाव लड़ सकता है। कुल मिलाकर कन्हैया कुमार के मामले में यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई को आने वाले समय में हो सकता है कि हार का मुंह भी देखना पड़े, लेकिन फिलहाल कन्हैया कुमार का यह पूरा मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कि इन्हीं दिनों कन्हैया कुमार के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल की गई। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।